हेलो एवरीवन, आज की स्टडी में हम सॉल्व करेंगे एसएससी जेई मेंस 2016 सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. हमारा क्वेश्चन है एस्टिमेट फॉर 120 मॉडल ऑफ स्पिलवे। फर्स्ट, प्रोटोटाइप वेलोसिटी करस्पोंडिंग टू अ मॉडल वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। सेकंड, प्रोटोटाइप डिस्चार्ज पर यूनिट विद करस्पोंडिंग टू अ मॉडल डिस्चार्ज पर यूनिट विद ऑफ 0.3 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। थर्ड, प्रेशर हेड इन द प्रोटोटाइप करस्पोंडिंग टू अ मॉडल हेड of 5 cm of Hg at a point, and 4, the energy dissipated per second in the model corresponding to a prototype value of 1.5 kW. तो चलिए सारी वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें समझने की कोशिश करनी है कि फ्रॉड मॉडल होता क्या है। तो फ्रॉड मॉडल का कुछ होता नहीं है, बस ये है कि इसमें फ्रॉड नंबर जो होता है मॉडल का वही प्रोटोटाइप का होता है, यानी दोनों सिमिलर होते हैं। ठीक है, मॉडल इज इक्वल टू फ्रॉड नंबर ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है, मॉडल जो होता है वो स्मॉल स्केल रेप्लिका ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उसका स्मॉल स्केल में लेते हैं। ठीक है, उसी को कहते हैं मॉडल। प्रोटोटाइप क्या होता है? हमारा प्रोटोटाइप जो होता है हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्रोटोटाइप हमारे क्या होते हैं? एक्चुअल स्ट्रक्चर और मशीन। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। फ्रॉड नंबर क्या होता है? बी एम अपॉन अंडर रूट जी एम एल एम। ठीक है, इज इक्वल टू बी पी वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप अंडर जी पी एन टू एल पी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में एस्टिमेट करना था प्रोटोटाइप वेलोसिटी। ठीक है, प्रोटोटाइप वेलोसिटी यानी हमें बी पी फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे क्रॉस करने के बाद। बी एम अपॉन बी पी इज इक्वल टू जी एम और जी पी को इक्वल कर देने के बाद क्या होता है हमारा? एल एम अपॉन एल पी। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ था स्केल। हमारा स्केल जो है एल एम अपॉन एल पी इज इक्वल टू दिया हुआ था 1:20, 1/20 हो जाएगा। ठीक है, 1/20। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और हमारा क्वेश्चन में भीम दी हुई है, मॉडल की वेलोसिटी दी हुई 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। चलो अब हम फाइंड करनी क्या? प्रोटोटाइप वेलोसिटी फाइंड करनी है, बी पी फाइंड करनी है। तो यहाँ से बी पी कर देंगे ना, क्रॉस कर देंगे। 2 अपॉन बी पी इज इक्वल टू अंडर रूट 1/20 है ना, 1/20। यहाँ से क्रॉस करने के बाद हमारी बी पी आती है, प्रोटोटाइप वेलोसिटी आती है 8.44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 8.44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया क्या? प्रोटोटाइप वेलोसिटी, प्रोटोटाइप वेलोसिटी। ठीक है, अब हम सेकेंड एस्टिमेट करनी है हमें प्रोटोटाइप डिस्चार्ज पर यूनिट विथ। ठीक है, प्रोटोटाइप डिस्चार्ज पर यूनिट विथ। ठीक है, तो यहाँ से एक रिलेशन होता है, क्या है? क्यू आर इज इक्वल टू एरर टू द पावर 1.5। ठीक है, क्यू आर इज इक्वल टू एल आर टू द 1.5। ठीक है, तो क्यू अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू हो गया एल आर टू द पावर 1.5। ठीक है, एल आर हमारा क्या होता है? एल एम अपॉन एल पी है ना, एल एम अपॉन एल पी टू द पावर 1.5। अब यहाँ पर सारी वैल्यू को पुट कर दो, जो हमें फाइंड करनी है वो हमें फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/20 टू द पावर 1.5। क्यू एम की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई 0.3, क्यू भी फाइंड करनी है ना। ठीक है, तो यहाँ से आ जाती है हमारी क्यू पी की वैल्यू 0.3 इंटू 20 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 26.823। ठीक है, ये हमें फाइंड हो गया। क्या फाइंड हुआ? डिस्चार्ज पर यूनिट विथ। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें थर्ड फाइंड करने क्या है? प्रेशर हेड इन प्रोटोटाइप है ना, प्रेशर हेड इन प्रोटोटाइप। चलो हम थर्ड फाइंड करते हैं, प्रेशर हेड इन प्रोटोटाइप। इसमें भी एक रिलेशन क्या है? प्रेशर हेड जो होता है मॉडल का अपॉन प्रेशर हेड ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू एल आर। एल आर क्या हमारा? स्केल रेशियो फॉर लेंथ है हमारा। ठीक है ना, स्केल रेशियो फॉर लेंथ है एल आर। ठीक है, तो यह हो गया प्रेशर हेड मॉडल का अपॉन प्रेशर हेड ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू एल आर। ठीक है, चलो यहाँ पे आप पुट करते हैं सारी वैल्यू को। तो प्रेशर हेड ऑफ मॉडल अपॉन प्रेशर हेड ऑफ प्रोटोटाइप इज इक्वल टू एल आर हमारा हो गया क्या? एल एम अपॉन एल पी इज इक्वल टू 1/20 है ना। तो यहाँ सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाती है 5 सेंटीमीटर ऑफ एच जी है ना, 5 सेंटीमीटर ऑफ एच जी क्वेश्चन में दी हुई थी। और ये हमारा क्या था? प्रेशर हेड ऑफ प्रोटोटाइप जो हमें फाइंड करना है, 1/20। हमारा प्रेशर हेड ऑफ प्रोटोटाइप आ गया 20 × 5 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ठीक है, यहाँ पे मिस हो गया यूनिट सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो ये हो जाती है 1 मीटर ऑफ एच जी। ठीक है, ये हमारी वैल्यू फाइंड हो गई किसकी? प्रेशर हेड ऑफ प्रोटोटाइप की। ठीक है ना, प्रेशर हेड ऑफ इन प्रोटोटाइप। चलो फाइंड करनी है क्या? एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड इन मॉडल है ना। चलो एनर्जी डिसिपेटेड पर सेकेंड इन मॉडल। ठीक है, डिसिपेटेड पर सेकेंड इन मॉडल।
इसमें रिलेशन याद रखना, एनर्जी जैसे डिसिपेटेड पर सेकेंड, मतलब हमारे क्या पावर की बात करें ना, तो पीएम अपॉन पीपी मॉडल का और प्रोटोटाइप का अपॉन हो जाता है एल आई टू दी पावर 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू को पुट करो, पीएम अपॉन पीपी, पीपी की वैल्यू क्या दी 1.5, ठीक है, एल आर 1/20 टू दी पावर 3.5, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी पीएम की, पीएम इज इक्वल टू 0.0419, ठीक है, वॉट। चलो ये फाइंड हो चुका, वैल्यू को हमने एस्टिमेट कर लिया। ठीक है,